मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने चार साल के सरकार के विकास कार्यों को आम जन के समक्ष रखा। साथ ही राजे ने कहा कि जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हो पाए वो चार साल में राजस्थान सरकार ने किए हैं। भाजपा सरकार कोरी घोषणाएं नहीं करती, काम भी समय पर करने में विश्वास रखती है। हमारा फोकस घोषणाओं को सही मायने में धरातल पर लाने का है ताकि आम जन को ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। राजे मंगलवार को श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में बिश्नोई सभा समिति की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वोटों के लिए जात पात के आधार पर नहीं बांटते, बल्कि हमारा फोकस राजस्थान के समग्र विकास पर है। हमारा प्रयास है कि जनता के सभी वाजिब काम राज्य खुशी हो, किसी को भी सड़कों पर नहीं आना पड़े। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास पर केवल 308 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमारी सरकार ने 4 साल में ही 1219 करोड़ रुपए के विकास कार्य सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए हैं। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद निहाल चंद मेघवाल और नगर पालिका चेयरपर्सन काजल छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। अनाउंसमेंट कर रहे हो और वैसे भी राजनीति के अंदर ये लोग सब सोचते हैं कि जो भी आता है वो तो अनाउंसमेंट करके जाता है, जनता देखे जाता है, काम वो कंप्लीट करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमें इस बात में चुनाव लड़ना ही कह रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि हम लोग की आदत नहीं है, जो अपने काम करते हैं वो पूरा करते हैं। और मुझे आज ये खुशी है बताते हुए कि आप चले जाओ सूरतगढ़, चाहे वो आपके गौरवपथ हो, ग्रामीण गौरवपथ नई चीज हमने शुरू किए महाराज, चाहे वो हो, चाहे आपके अलग अलग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम सड़कों के ऊपर किया है वो हो, चाहे आपके जो नॉन प्राची में बिल्कुल ही गंदी हालत में आ रहे थे उनको प्राची रूप करके उनको ठीक करने का काम जो हम लोगों ने किया है, जो सियावर में योजना के अंदर हम लोगों ने अलग से 26 किलोमीटर का काम अभी करके दिया है, चाहे वो हनुमानगढ़ सूरतगढ़ का फोर लेन का जो 11 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। और उसके साथ मुझे याद है कि सूरतगढ़ के स्टेडियम के अंदर जब मैं बीच में आई थी आपको याद होगा तो हम लोग ट्रोमा सेंटर को तो देखने के लिए गए थे, तो एक जिसको आपने मैंने बताया स्टेडियम है उसमें से आपने एक गाइड निकाला है। तो मुझे खुशी है कि अब आपको कुछ उस स्टेडियम भी ठीक होकर आगे तैयार हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सूरतगढ़ के दौरे पर जनसंवाद के बाद ऐलान किया कि अभी सभी 33 जिलों में अन्नपूर्णा रसोइयों द्वारा गरीब आदमी को 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना और 2 रुपए में चाय के साथ आरओ का शुद्ध पानी भी मिलेगा। इस दौरान राज्य ने 2 अन्नपूर्णा रसोइयों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 156 शहरों में 405 अन्नपूर्णा रसोई वैन संचालित हैं और आगामी 15 अप्रैल तक 533 हो जाएंगी। वहां मौजूद महिलाओं को राजे ने अपने हाथों से भोजन भी खिलाया और गुणवत्ता के बारे में पूछा। वहां मौजूद विधायक द्रौपदी मेघवाल ने भी अन्नपूर्णा रसोई का खाना खाया।